गाइस वेलकम बैक टू चैनल एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन साइडेड जिगल की। भाई ये जो जिगल की टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ना, ये लिटरली भाई क्लोज रेंज में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आगे वाला जो एनिमी है ना भाई, वो तुम्हें ट्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा यहाँ पे। यार गाइस देखो, क्लोज रेंज में ये जो चीज है ना भाई, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो ऐसे में वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अभी की अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वाली वीडियो को लाइक ही हम रख रहे हैं भाई। देखो 15,000 लाइक्स, तो 15,000 का लाइक ही मैं फटाफट से कंप्लीट करवा देना। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोस के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार गाइस आजकल पता क्या हो गया कि सबको जब भी जिगल याद आता है ना कि हाँ जिगल होता क्या है, तो सबको बस दिमाग में एक ही चीज आता है कि भाई देखो अपनी जॉयस्टिक को है ना हमें लेफ्ट एंड राइट करते रहना है, और यही हमारा जिगल हो जाता है। तो भाई देखो सभी की मेंटालिटी अभी ऐसे हो चुकी है। अगर तुम्हारा सामने वाला एनिमी भी तुम्हारे आके सामने जिगल देगा ना भाई, तो वो भी यही चीज सेम करने वाला है कि वो आएगा तुम्हारे सामने एंड लेफ्ट एंड राइट अपनी जॉयस्टिक को करेगा एंड उसका जिगल वहाँ पे पूरा हो जाएगा। हो सकते हो तुम उसमें मर भी जाओगे। लेकिन भाई अचानक से तुम अगर ये जो वन साइडेड वाली जिगल की टेक्निक है ना ये यूज करते हो ना भाई, तो एनिमी इसमें बहुत हद तक है ना कंफ्यूज होने वाला है। गाइस देखो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे टीडीएम की कुछ क्लिप जोड़ी है, इसमें भी तुम देख सकते हो मैंने अचानक से भाई यहाँ पे जो है वन साइडेड वाला जिगल है वो अप्लाई किया और एनिमी भाई वहाँ पे कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि उसे लगा था कि भाई मैं नॉर्मली आऊंगा लेफ्ट एंड राइट वाला जिगल दूंगा, तो उसी हिसाब से वो वहाँ पे प्ले कर रहा था। गाइस ऐसे में एनिमी के लिए यार ये वाला जो मूव है ना भाई वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो ये तुम्हें अप्लाई कैसे करना है, तुम्हें कैसे यूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखो नॉर्मली हम जब भी जिगल दे रहे होते हैं ना, तो भाई अचानक से तुम्हें जो है ना जो अपनी जॉयस्टिक है वो एक साइड पे पुल कर देनी है। तो गाइस देखो याद रखना कि जब भी तुम अपनी एक जॉयस्टिक पुल करते हो ना किसी भी साइड पे, तो उसी साइड पे तुम्हें हमेशा पुल करनी है जहां पे तुम्हें कवर मिलेगा। अब यहां पे मुझे राइट में कवर मिलेगा इसका, तो मैंने यहां पे राइट में पुल किया। तो ऐसे में गाइस तुम बचे भी रहोगे एनिमी से, वहां पे तुम्हारे जो चांसेस है ना वो बढ़ भी जाएंगे जीतने के। तो गाइस अब ये चीज को यूज तुम्हें कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। तो देखो भाई इसको बार बार तुम्हें यूज नहीं करना है। जब भी तुम्हें लगता है ना कि हाँ यार यहाँ पे मेरा जीतना मुश्किल होगा, तो वहां पे ये चीज तुम्हें यूज करनी है। और ये तुम टीडीएम में ही नहीं क्लासिक में भी यूज कर सकते हो। अब टीडीएम में तुम अगर बार बार यूज करोगे तो भाई डेफिनेटली तुम्हारे एनिमी को भी पता चल जाएगा। तो ऐसे में गाइस देखो इसको कभी कभी यूज करना है। सपोज करो तुम एक टीडीएम खेल रहे हो अपने दोस्त के साथ या फिर किसी के भी साथ, तो वहां पे भाई देखो एक दो किल तुम नॉर्मल करो, फिर अचानक से एक दो बार इसको यूज करो, फिर एक दो किल नॉर्मल करो, एक दो बार इसको यूज करो, ऐसा तुम्हें यूज करना है एंड डेफिनेटली भाई तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी वहां पे। एंड गाइस अभी इस चीज को कैंसिल कैसे करना है, सपोज करो तुम्हारा कोई अच्छा सा दोस्त है या फिर एनिमी है तुम्हारा, तो वो ये चीज यूज कर रहा है, तो उसको तुम्हें कैसे मारना है। तो देखो गाइस नॉर्मल जिगल से मारना है ना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और मैंने भी ये चीज ट्राई की हुई है। जब मेरे सामने कोई ऐसा बंदा खेलता है ना और मैं नॉर्मल जिगल उस पर मारता हूँ, तो वहां पे भाई देखो मेरे मरने के चांसेस ही बढ़ते हैं वहां पे। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है कि भाई तुम्हें भी यही चीज यूज करके उसे मारना होगा। तुम्हें उसे अपोजिट साइड का जिगल देना होगा। सपोज करो अगर तुम्हारा एनिमी जो है लेफ्ट साइड की जो है लॉन्ग जिगल दे रहा है, लाइक ये जो वन साइडेड जिगल दे रहा है, तो फिर तुम्हें राइट साइड की वहां पे जिगल देनी होगी। इससे तुम्हारा जो जिगल है ना उसका और तुम्हारा वो कैंसिल हो जाएगा, और जिसका एम ज्यादा अच्छा होगा ना भाई वो वहां पे विन कर जाएगा। गाइस देखो ट्रस्ट मी यार बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलने वाली है क्लोज रेंज में। और जो भी जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं ना भाई, एक बार तुम जाके टीडीएम में इसको ट्राई जरूर से करना एंड मुझे भाई देखो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना अपना कि तुम्हारे लिए भाई ये चीज कैसे काम कर रही है, क्या तुम इससे बंदे मार पा रहे हो या फिर नहीं मार पा रहे हो। तो वीडियो आएगी तुम्हें पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए। बाकी अभी तुम मेरा जो नूब सा गेम प्ले है वो एंजॉय कर सकते हो। Do you believe?